हमें देश के बारे में कुछ पता ही नहीं, उनको ही पता है सर, ज्ञानात माती है, माहिती है सगळं। सत्तेपेक्षा देश महत्वाचा, सत्ता येते आणि जाते। मग का नवाब मलिक यांच्यावर तुम्ही हल्ला करता, त्याच प्रकारची केस आणि खटला प्रफुल्ल पटेलवरती आहे। उनका भी दाऊद के लोगों से जमीन का व्यवहार है और उसके बारे में ईडी ने कार्रवाई की है, उनकी भी प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त की है। जब प्रफुल्ल पटेल जी यूपीए के सरकार में मंत्री थे, तीसरे मुद्दे पर भाजपा ने सोनिया गांधी के ऊपर सवाल उठाए थे, ये आपको मालूम है, यही मुद्दा है। तो प्रफुल्ल पटेल जी के बारे में आपकी क्या राय है? रणजीत जी को मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी क्या राय? फिर हसन मुशरफ, 70,000 घोटाले वाले, सिंचन घोटाले वाले अजीत पवार, ईडी ने जिसकी प्रॉपर्टी जब्त की है और रेड्स पर रेड्स हुआ है, प्रताप सरनाई, ईडी जिसको गिरफ्तार करने निकली थी वो भावना गवड़ी, ऐसे कितने लाभ हम ले सकते हैं? तो नैतिकता का ही मुद्दा है। तो आपने जिसके साथ सरकार बनाई है, वो चाहे शिंदे गुट की हो या अजित पवार गुट की हो, ये तो पूरा करप्ट पार्टी आपके साथ बैठी है। तो सिर्फ नवाब मलिक के ऊपर ही क्यों हमला है? क्यों? ये ढोंग है, इसलिए मैं कहता हूँ, मुंडन में सांग तो है, ढोंग है। सर, आपने अलग अंदाज में ट्वीट किया, अलग अंदाज में ट्वीट करके कहा कि हमें देवेंद्र ने इस तरह से जानकारी दी, क्या कहना सर? नहीं, आपका हो गया पूरा। देखो देखो, बात ऐसी है, कल राज्य के मुख्यमंत्री ने दूसरी उप मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा, नागपुर में दोनों एक साथ बैठे हैं सदन में एक साथ बैठे हैं और पत्र लिखते हैं, पत्राचार करते हैं। हाँ, क्या जमाना आया है, बाजू बाजू में बैठे और पत्र लिखते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है, नवाब मलिक के बारे में आपने जो यहाँ आपके साथ बैठा है उनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप है, फलाना फलाना आरोप है, ये तो ढोंग है ना। आप खड़े होकर कहिए नवाब मलिक को या अजित पवार को, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और क्या कहते हैं, सत्ता आती है सत्ता जाती है, यह हमको बता रहे हैं। और देश सबसे ऊपर है, सत्ता से ऊपर देश है, एक नई बात हमें बता रहे हैं देश को, ये ढोंग है भाई। ऐसे ढोंग बीजेपी बार बार कर रही है। अजित पवार जी के ऊपर 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाले का आरोप है। प्रफुल्ल पटेल जी की प्रॉपर्टी जब्त की है ईडी ने, क्यों जब्त की है? जिस प्रकार के आरोप नवाब मलिक के ऊपर है, वही आरोप प्रफुल्ल पटेल के ऊपर है। तो भाई प्रफुल्ल पटेल जी के बारे में आपकी क्या राय है, देवेंद्र जी बताइए।